स्टॉक जिसका जिक्र हम कर रहे थे लगातार बार बार, और वो है कर रहे कि ये स्टॉक बहुत तेजी दिखाने को तैयार है। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन। देवयानी इंटरनेशनल क्या है ये कंपनी और क्यों है इतनी तेजी, बता रहे हैं वरुण। डेफिनेटली अनिल जी, तो तेजी का सबसे बड़ा कारण है टर्न अराउंड, और समय से पहले टर्न अराउंड। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप समय के पहले डिलीवर कर देंगे ना, तो आपको मार्केट रिवॉर्ड करेगा, और वही रिवॉर्ड कर रहा है, और अभी तो शुरुआत है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए देवयानी इंटरनेशनल ये भी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी थी। लगातार अगर आप देखेंगे FY 19, 20, 21 लगातार ये कंपनी लॉस कर रही थी, और नो डाउट ये कंपनी का जब मैनेजमेंट आईपीओ के समय हमारे चैनल पे आया था, तो इन्होंने कहा था कि हालात ठीक रहे तो हम कोशिश करेंगे इस साल प्रॉफिट में आने की। अब FY 22 में प्रॉफिट में आने की बात चल रही थी, लेकिन इसी क्वार्टर में दरअसल कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। करीब करीब 47 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने किया है, ये सबसे अच्छी बात है अपने आप में। अब ये क्यों ऐसे में अपने आप में अच्छी बात कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस थे ना, सब ये मान के चल रहे थे कि FY 22 में भी कंपनी नुकसान करेगी। जो मैं एस्टिमेट्स पढ़ रहा था, करीब 10 से 20 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है लोग मान के चल रहे थे कि FY 22 में कंपनी करेगी, लेकिन अगर आप पहले छमाही देखेंगे तो FY 22 में कंपनी ने पहली छमाही में करीब 13 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। आय अगर आप देखेंगे तो पहली छमाही में 869 करोड़ के आसपास आई है। इसे अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो इस साल देवयानी इंटरनेशनल 50% के ऊपर की आय की ग्रोथ डिलीवर करने वाला है। सिर्फ ये नहीं, अगर आप इस कंपनी के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो KFC 72%, पिज्जा हट 76%, कॉस्टा कॉफी जो है उसमें 226% के आसपास की सेम स्टोर सेल्स देखने मिली है। यानी कि हर पैमाने पे नतीजे अच्छे। और अनिल जी एक बड़ी बात यह है कि इस साल की शुरुआत में इस कंपनी के कुल स्टोर जो थे वो करीब करीब 600 के आसपास थे, और 150-200 आसपास स्टोर्स इस कंपनी ने और ऐड किया, कुल स्टोर जो है वो 800 के आसपास आ चुके हैं। अब इन स्टोर्स को टर्न अराउंड होने में करीब 14-15 महीने का वक्त लगता है, यानी कि ये जो 200 स्टोर्स ऐड हुए ना, इनका टर्न बनने में, प्रॉफिट बनने में, तो ये अभी बाकी है। तो ये जो प्रॉफिट अभी आया है ये उन स्टोर से आया है जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह का। और इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकरेज हाउस का जो टारगेट था ना इस काउंटर पे, लॉस मेकिंग जब थी और लॉसेस एस्टिमेट कर रहे थे FY 22 में, तो 150 के ऊपर का टारगेट था, और अब ये प्रॉफिट कर रही है। बड़ी टर्न अराउंड हो सकती है सर समय से पहले। आपको याद है तो लिस्टिंग के बाद से ही और लिस्टिंग के पहले भी मैंने लगातार कहा ये स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट फूड, इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं इस स्टॉक को। कुछ लोग जोमेटो से भी करते हैं बट वो ठीक नहीं है, बट उनसे कंपेयर करना ज्यादा ठीक है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 रुपए होने की ताकत है। एक्चुअली जब आज आपने मुझे बोला ना कि धनतेरस पिक के तौर पर, मैं सोचा था कि ये दूं या ये दूं। ओके, तो ये ऑलरेडी 10% ऊपर था, फिर मैंने कहा छोड़ो अब 10% बढ़ा हुआ है तो अब क्या है, मतलब। और दो दिन में ही 115 से 135 हुआ है, तो वो जूस निकल गया। लेकिन जिनके पास है आईपीओ के, उन्हें 100% होल्ड करना चाहिए 175-200 के टारगेट के लिए। ये बहुत नए जमाने का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है। से अगर आपको दो क्वालिटी मिल जाती किसी बिजनेस में, जैसे नजारा नए जमाने का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है, जैसे कि देवयानी नए जमाने का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल, है ना। जहां पे दोनों क्वालिटी, नायका जहां दोनों क्वालिटी, जहां खाली एक ही है कि नए जमाने का लॉस करता है, वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है कि भाई ठीक है लॉस से कब प्रॉफिट करेगा पता नहीं। अब इसके केस में यही हुआ है, प्रॉफिटेबल इतना जल्दी हो गया एक साल पहले, बिल्कुल एक साल मान सकते हैं, लगभग एक साल पहले कमाल कर देगा। और आज आप वो सारी ब्रांड्स इनके पास जहां आप जाकर खाना पीना चाहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सो बहुत बढ़िया स्टॉक है, और ये क्वार्टर तो वैसे भी काफी अच्छा रहता है।